तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो एक्स एल लीनियरली इंक्रीज होता है विद ओमेगा, ये भी क्लियर है। और एक्स सी क्या होता है, 1 बाय सी ओमेगा, अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो ग्राफ क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ये तीनों ग्राफ की मार्किंग हो जाएगी इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, ये हमने किया था कंपैरिजन ऑफ करंट, हमने किया एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पे क्या होता है, ये ग्राफ प्लॉट होता है। अब तो ये ग्राफ रट गया होगा, काफी बार रिपीट हो गया, तो ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब इसके अंदर जब ये ग्राफ है, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपके पास, करंट, दिस इज करंट, और ये आपका ग्राफ है जिसके अंदर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस, इसके ऊपर यू कैन राइट एक्स एल इज इक्वल टू एक्स, लिख लो यहां पे एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, राइट, ये लिखो यहां पे। हाँ जी, क्लियर है यहां तक, तो ये पॉइंट क्लियर है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। अब एक चीज बताओ मुझे, ये ओमेगा या फ्रीक्वेंसी है, एक ही बात है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू, देखो एक्स एल का फॉर्मूला होता क्या है, एल ओमेगा, एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय सी ओमेगा, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को बढ़ा दूं, मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस से बड़ी रखूं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ओमेगा को ओमेगा आर से बड़ा रखूं, ओमेगा को ओमेगा आर से बड़ा रखूं, मतलब बहुत हाई ओमेगा रूं, तो अगर ओमेगा बड़ा होगा तो बोलो कौन बड़ा होगा, एक्स एल, अगर ओमेगा बड़ा होगा तो एक्स सी क्या होगा, छोटा होगा। तो आप नोट कर सकते हो, इस रीजन में अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आर से बड़ी होती जा रही है तो एक्स एल बड़ा होगा, एक्स सी छोटा होगा। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आर रेजोनेंस से कम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ओमेगा कम है, तो एक्स सी ज्यादा बड़ा होगा, तो ठीक है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल। तो इस रीजन में ओमेगा अगर या फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है, तो फिर तो ये कंडीशन है, एक्स सी बड़ा होगा, और अगर ये रेजोनेंस के इक्वल है, दोनों बराबर होंगे, और अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ी है, तो एक्स एल बड़ा होगा। तीन कंडीशंस क्लियर है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है तो एक्स सी बड़ा होगा, तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे, सर्किट की इंपीडेंस ज्यादातर क्या है, कैपेसिटिव है, क्योंकि कैपेसिटिव का रोल ज्यादा है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है रेजोनेंस से, तो फिर एक्स एल बड़ा है, आप क्या बोलेंगे, सर्किट की इंपीडेंस क्या है, इंडक्टिव है, क्योंकि इंडक्टर का रोल ज्यादा है। याद रहेगा यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, बैंडविड्थ हमने कर ली थी, आर बाय एल इसका फॉर्मूला था, ग्राफ हमने किया हुआ है, क्वालिटी फैक्टर की ये डेफिनेशन को क्रॉस कर दो, बहुत डेफिनेशन करवा दी क्वालिटी फैक्टर की, अब नई नई टेक्निक कोई नहीं लेके आएंगे, सफिशिएंट है वो, जब हमने हैंड